देखो एनुअल रिंग में और सेकेंडरी ग्रोथ में फिर हम लोग दो छोटे छोटे टॉपिक को समझ रहे हैं, और यहाँ पे दो जो छोटा टर्म है ना वो है कॉर्क एंड बार्क। टर्म क्या है? कॉर्क, और दूसरा टर्म है बार्क। यहाँ पे बार्क के बारे में हम दो कंसेप्शन देंगे, एक जो रियल कंसेप्शन है वो, और आज जो एनसीईआरटी में एक कंसेप्शन लिखा हुआ वो, दोनों बताना बहुत जरूरी है। क्यों बताना जरूरी है? कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ अगर उसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो तुमको क्या लिखना है, और अगर वो नहीं आया, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन नहीं आया, रियल कंसेप्शन जो बार का था जो हम लोग अभी बताने जा रहे हैं वो आ गया, तो तुम पढ़े ही नहीं होगे, तो तुम गलती से उसमें क्या करोगे, नॉन ऑफ दीज वाले में आंसर मार दोगे। तो हमको यहाँ पे दोनों कंसेप्शन बताना जरूरी है ना, क्लियर कट वे में इन बातों को समझना है। तो इसीलिए बार्क को हम लोग पहले कॉर्क समझाते हैं। ये दोनों डिस्प्यूटेड शब्द बार्क में ही आ रहा है। व्हाट इज द रियल कंसेप्शन? जो रियल कंसेप्शन है ये इंडिया की जो सबसे अच्छी बुक्स होती है, दास दत्ता एंड गांगुली, जो हमारी एक कॉलेज बॉटनी किताब मानी जाती है जिसको हम लोग रामायण ऑफ द मानते हैं बॉटनी, ये कंसेप्शन रियल कंसेप्शन उस बुक से मैं बता रहा हूं, और इसके बाद में फिर बताऊंगा व्हाट इज द कंसेप्शन गिवन इन द एनसीईआरटी। और तुमको दोनों इसलिए याद रखना है कि अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो तुम किस में टिक करोगे, अगर वो ऑप्शन नहीं दिया और अगर रियल टर्म बार्क जो था उस पर क्वेश्चन आ गया तो फिर तुम किस पे टिक करोगे। तो दोनों कंसेप्शन को समझना है। इसके पहले हम लोग समझाना शुरू करते हैं कॉर्क कहां से बनना शुरू हुआ, व्हाट इज कॉर्क। तो सबसे पहले ये जानो, हमने कहा कॉर्क कैम्बियम के बनने के बाद ये बाहर की तरफ जो नए सेल को कट ऑफ किया, ये व्हाइट रंग से हम लोग दिखा दिए, इसी को कहे बार्क, है ना। तो न्यू सेल्स कट ऑफ बाय कॉर्क कैम्बियम कौन बनाया, नहीं सॉरी, हमने क्या कहा, न्यू सेल्स कट ऑफ बाय कॉर्क कैम्बियम, अभी बार्क नहीं, अभी कॉर्क की शब्द पहले समझना है। न्यू सेल्स कट ऑफ बाय कॉर्क कैम्बियम सून बिकम सुबेराइज्ड। ये कब कॉर्क में कन्वर्ट हुआ? जब इसमें सुबेरीन जैसे वैक्सी लेयर का डिपोजिशन हो गया, मतलब ये बाहर की ओर सेल बनाया, कट ऑफ किया और उसमें सुबेरीन का डिपोजिशन हो गया। तो ये जो व्हाइट लेयर बाहर दिखा रहे हैं, इसमें जब सुबेरीन का डिपोजिशन हो जाए, और जो ही सुबेरीन का डिपोजिशन होगा, अब ये कॉर्क जो था ना ये एक डेड सेल में कन्वर्ट हो गया। अब ये डेड सेल हो गया, यहां पे चीजों को फिर बहुत अच्छे से समझना है। अब हम लोग क्या किए, एक रिंग बना दिए, इस रिंग के चारों तरफ वैक्सी लेयर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? वैक्स लगा दिए। अब तुमको सोचना है वैक्स, क्योंकि सुबेरीन कैसा लेयर है, सुबेरीन इज ए वैक्सी लेयर, तो हम लोग टर्म ही यूज किए, देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ वैक्सी लेयर। अब जरा सोचो, जब वैक्सी लेयर का कोटिंग हो गया तो क्या पानी बाहर जा पाएगा? हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पेपर पे वैक्स लगा दो, एक पेपर ले लो उसके चारों तरफ वैक्स लगा दो और इधर से पानी डालो तो देखो, तो क्या पानी इधर पसीज रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन एक नॉर्मल पेपर में डालोगे तो इधर से भी छूओगे तो पानी क्या हो गया, आ गया। इसका मतलब द वैक्सी लेयर जो होता है ना, ये इट इज इम्परवियस टू वाटर, ये क्या है, पानी को अलाउ नहीं करेगा। क्या नहीं अलाउ करेगा? पानी को ये अलाउ नहीं करेगा। तो हम लोग कहेंगे कॉर्क इज इन नेचर इम्परवियस टू वाटर। क्यों इम्परवियस हो गया? तुम्हारे पास आंसर है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मेडिकल में, व्हाई कॉर्क इज इम्परवियस, ऑप्शन तुम्हारे पास क्या रहेगा, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ वैक्सी लेयर। उस लेयर का नाम क्या बताया हमने, हमने उस लेयर का नाम बताया सुबेरीन। क्या नाम बताया? सुबेरीन के डिपोजिशन के चलते। किसके डिपोजिशन के चलते? सुबेरीन कैसा लेयर है? तो क्या आंसर देंगे, सुबेरीन इज ए वैक्सी लेयर, एक वैक्सी लेयर है। इस वैक्सी लेयर के प्रेजेंस के चलते ये नेचर में कैसा हो गया, ये नेचर में, हमने क्या कहा, कैसा हो गया, नेचर में इम्परवियस टू वाटर हो गया, ये वाटर को बाहर नहीं जाने देगा। अब सोचो बाहर पानी नहीं जा रहा है, तो ये कॉर्क से जो दो तीन क्वेश्चन आता वो ये है, ये रेडियल रोज में अरेंज हो गया, ये रेडियली अरेंज हो गया है। कैसे अरेंज हो गया है? रेडियल रो में कन्वर्ट हो गया है। और सबसे कॉमन, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉर्क, सबसे कॉमन कॉर्क तुम लोग कहां देखते हो, बैडमिंटन खेलते हो ना, बैडमिंटन के शटल को निकालो, है ना, उस शटल के नीचे जो लेदर का कवर वाला छोटा सा पोर्शन दिखता है ना, ये ऐसे करके दिखा रहे हैं हम लोग, ये शटल है,
ये जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है इसके ऊपर के लेदर को हटाओ, ये देखना कॉर्क था। क्या था? कॉर्क था। पुरानी शीशियों के ढक्कन में, पुरानी जो शीशियां होती थी, हम होम्योपैथिक दवाई की शीशियां होती थी ना, उसके ढक्कन में, माउथ में कॉर्क का ढक्कन लगा रहता था। नहीं, जो कैप्स था दे वेयर फॉर्म्ड ऑफ कॉर्क। तो हम लोग कहते हैं कमर्शियली ये यूज होता था। ये कैसे यूज होता था? कमर्शियली यूज होता था। तो एक क्वेश्चन है मेडिकल का, ये भी क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, प्लांट का नाम पूछा था, प्लांट का नाम है क्वेरकस सुबेर। क्या नाम है प्लांट का बच्चों? क्वेरकस सुबेर। तो ये क्वेश्चन, और ये याद रखना, BHU एम्स या किसी भी मेडिकल में पूछे हुए पहले के क्वेश्चंस कभी भी रिपीट होते हैं। रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है जो पहले आ गया है वो अब नहीं आएगा। तो हमको और तुमको क्या करना है, हम लोगों को एक बात पे जरूर ध्यान देना कि पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन को जो सिलेबस का पार्ट नहीं भी है, हम उसको एक बार जरूर सॉल्व कर लें। हम इसलिए बार बार जो सिलेबस का पार्ट नहीं है उसकी भी चर्चा करते हैं और कहते हैं दो दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिलेबस बट देयर आर प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइवर्सन ऑफ क्वेश्चन। जब क्वेश्चंस डाइवर्ट किए जाते हैं ना एग्जाम में, हम कहते हैं कि 90 में से 75-80 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द लाइन ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन जब क्वेश्चन डेविएटेड होते हैं तो हमको आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनमें से कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो तो डायरेक्ट आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, जो मेडिकल में पहले आए हुए हैं ना उन्हीं क्वेश्चंस को दे दिया जाता है। उनमें से एक क्वेश्चन ये है दैट कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट वी कॉल इट क्वेरकस सुबेर। क्या नाम है प्लांट का बच्चों? प्लांट का नाम है क्वेरकस सुबेर। क्या नाम है फिर से रिपीट करो, द नेम ऑफ द प्लांट इज क्वेरकस सुबेर। और हम लोगों ने देखा शटल में, कॉर्क में, बॉटल्स के ढक्कन में ये कॉर्क यूज किया जाता था। अब देखो पानी बाहर नहीं जा रहा है ना, बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सुबेरीन इस कॉर्क लेयर में कौन डिपॉजिट हो गया? सुबेरीन डिपॉजिट हो गया है ना। कॉर्क के लेयर में किस चीज का डिपोजिशन हो गया है? सुबेरीन जैसे केमिकल सब्सटेंस का प्रोडक्शन हो चुका है, और सुबेरीन का नेचर हमने क्या बताया? वैक्सी बता दिया। अब यहां पर एक नाम तुमको याद करने का, फिर स्टोरी बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, इस कॉर्क के अपीयरेंस से क्या हो गया, पानी बाहर नहीं जा पा रहा था। हमारे घर में कुत्तों को हम लोग पालते हैं, कुत्ता बेचारा खाना वाना खाया और चेन से बांध दिए और पानी नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या करना शुरू करेगा? ये भूखना शुरू करेगा, बार्किंग। नहीं तो हम लोग टर्म क्या यूज करेंगे, बार्किंग डॉग। कब बार्क करना शुरू किया? When water is not being supplied, जब पानी देना उसको बंद कर दिए। अब वो खाना तो बेचारा खा चुका है, 2-3-4-5-6 घंटे हो गए हैं, चेन से बांधे हुए हैं और पानी नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग क्या कहने लगे इसको, barking dog। बेचारा भूखेगा भूखेगा भूखता रहेगा और एक दिन आएगा क्या होगा, भूखते भूखते वो मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ऑल दिस डेड टिश्यू, ये डेड क्यों हुआ हम लोग क्या बोलेंगे, ये डेड इसलिए हुआ क्योंकि पानी इसको नहीं मिला। ठीक उसी तरह से अब क्या बन चुका है, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम बाहर कर क्या कट ऑफ किया, कॉर्क। कॉर्क का नेचर कैसा हो गया, वैक्सी, और कॉर्क के बनने से बाहर पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए बाहर जितने टिश्यू थे सब का सब क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, All the dead tissue, टर्म क्या यूज किए, अब इस पानी नहीं मिलने से बाकी के सेल्स का क्या हो गया, डेथ हो गया। किसके बाहर, कॉर्क पहले बना ना, फिर से सोचो इस बातों को, सोचो समझो, कॉर्क कैम्बियम बना, कॉर्क कैम्बियम अपने बॉडी के बाहर कॉर्क बनाया, कॉर्क में किस चीज का डिपोजिशन हुआ, कॉर्क में सुबेरीन का डिपोजिशन हो गया। किसका डिपोजिशन हो गया, कॉर्क में सुबेरीन का डिपोजिशन हो गया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुबेरीन क्या बाहर नहीं जा पा रहा, वाटर इज नॉट मूविंग आउटसाइड, पानी बाहर नहीं जा पा रहा है, बाहर के सेल्स को पानी नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, बाहर के सेल्स को पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑल सेल्स विच आर आउटसाइड कॉर्क सून दे विल डाई, सभी सेल्स क्या हो गए, उनका डेथ हो गया। एंड जो अच्छी बुक्स में जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रहे हैं, ऑल द डेड टिश्यू
आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क, कॉर्क के बनने के बाद जो जिन टिश्यूओं का डेथ हो गया उसका नाम क्या रख दिए, बार्क। तो व्हाट इज बार्क, हम लोग कहेंगे ऑल द डेड टिश्यू आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क इज कॉल्ड बार्क। अब यहां पे फिर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये BHU का आया हुआ क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन होगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। अब देखो बार्क, यहां पे कॉर्क बना तो ये एरिया मान लो ये सेल हम लोग दिखा रहे हैं, फिर से यहां पे व्हाइट कलर से दिखाते हैं, ये कॉर्क कैम्बियम बना दिया, कॉर्क ये बना कॉर्क, तो कॉर्क से पानी नहीं गया इसलिए ये सब टिश्यू का डेथ हो गया और क्या बन गया, बार्क। अब बार्क के बारे में फिर दो बात बताएंगे। बार्क प्लांट के बॉडी से अगर रिंग शेप में बाहर टूट के निकल रहा हो है ना, तो इसको कहते हैं रिंग बार्क। अब हम लोग इन टर्मों को समझाएंगे फिर से। और अगर वो पतले पतले स्ट्राइप के रूप में, अगर किसी के घर में गुआवा अमरूद का पेड़ हो तो जाके देखना बच्चों, अमरूद के पेड़ से स्ट्राइप में पतले पतले व्हाइट पोर्शन के रूप में स्टेम से पोर्शन बार्क का निकल रहा था। तो बार्क किस तरह से बना, अगर वो स्ट्राइप के फॉर्म में बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं स्ट्राइप बार्क है ना, और अगर ये रिंग के फॉर्म में बनता है तो बोलते हैं रिंग बार्क है ना। तो ये रिंग बार्क और स्ट्राइप बार्क दो टर्म यूज करेंगे। तो पहले हम लोग समझ रहे हैं व्हाट इज बार्क, और यहां पे दोनों बातें बता रहे हैं, रियल कंसेप्शन ऑफ बार्क और जो कंसेप्शन NCERT में दिया हुआ, दोनों को समझ के रखना है। दोनों में से जैसा क्वेश्चन आएगा, अगर NCERT बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो जो हम लोग इसके बाद बताएंगे उसको टिक करना है, अगर NCERT बेस्ड नहीं आया तो जो अभी बता रहे हैं उसको टिक करना है। दोनों को समझना है। क्या क्या बताएं हम लोग, पहला टर्म यूज कर रहे हैं व्हाट इज बार्क, तो कहते हैं सप्लाई टू आउटसाइड टिश्यू ऑफ वाटर इज बीइंग स्टॉप्ड, किसके बनने से, कॉर्क सेल के बनने से बाहर पानी जाना रुक गया, और जितने लिविंग सेल्स बाहर थे ना उनको पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी के चलते इन सेल्स का डेथ हो जाएगा। सेल्स क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ऑल दिस डेड टिश्यूज, अब सेल्स का डेथ हो गया यहां से यहां, तो इसका नाम रख दिए बार्क। ये समझ में आ गया व्हाट इज बार्क। अभी हम लोग ये रियल कॉन्सेप्शन समझा रहे हैं। All the dead tissue, dead क्यों हुआ, because of the formation of cork. तो क्या हो गया, cork के formation में क्या बात हो गई, तो क्या कहेंगे, because of the formation of cork, water is not supplied. क्यों, फिर क्वेश्चन मन में आना चाहिए क्यों नहीं पानी बाहर जा रहा है, तो क्या कहेंगे, क्योंकि cork में सुबेरीन जैसे वैक्सीलियर का deposition हो गया है, सुबेरीन जैसे वैक्सीलियर के deposition के चलते क्या बाहर नहीं जा रहा है, वाटर बाहर नहीं जा पा रहा है, इसलिए बाहर के लिविंग सेल्स का क्या हो चुका है, डेथ हो चुका। ऑल डेड टिश्यू आउटसाइड कॉर्क इज कॉल्ड बार्क। ये हमारा पहला कंसेप्शन हुआ व्हाट इज बार्क, हम लोग कहेंगे ऑल द, अभी हम लोग बार्क को पूरी तरह से समझ रहे हैं, दो दो लेवल पे समझेंगे। ऑल द डेड टिश्यू आउटसाइड व्हाट, कॉर्क इज कॉल्ड बार्क। अब हम लोग आते हैं दूसरे बात पे, यहां पे अब देखो, तो अगर ये कॉर्क कैम्बियम यहां बना होता, ये मान लो लास्ट लेयर में बना होता, तो कॉर्क यहां बन जाता, और कॉर्क अगर यहां बनता तो इसके बाद का सारा टिश्यू का डेथ हो जाता, तो बार्क इतना मोटा बन जाता। तो बार्क कितना मोटा या कितना पतला बनेगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कॉर्क कैम्बियम कहां बना है, आउटर पेरिफेरी की तरफ या अंदर की तरफ। कॉर्क कैम्बियम जितना बाहर बनेगा उतना पतला क्या बनेगा, बार्क बनेगा, और कॉर्क कैम्बियम जितना अंदर बनेगा, ये दिखा रहे हैं कॉर्क कैम्बियम, उतना मोटा क्या बन जाएगा, उतना ही मोटा, जितना अंदर की तरफ बनेगा उतना ही मोटा क्या बन जाएगा। हम लोग क्या आंसर देंगे, जितना अंदर की तरफ बनेगा उतना थिक बार्क बनेगा, जितना कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ बनेगा उतना थिन बार्क बनेगा। अब इस पे जो क्वेश्चन BHU में आया था उस स्टेटमेंट को हम समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना है पहले और फिर इसको समझना है। इनर इज द कॉर्क कैम्बियम, टर्म क्या यूज किया हमने, इनर इज द कॉर्क कैम्बियम, ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट को बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छा लाइन है, बहुत ध्यान से समझना है। ये है कॉर्क कैम्बियम,
इनर इज द कोर कैम्बियम, जब इनर में है कोर कैम्बियम तो कोर क्या बना, थीकर इज द बार्क तो बार्क मोटा बना, कैसा बना, थीकर इज द बार्क। फिर स्टेटमेंट को 10 बार सुनो और अच्छे से समझो, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या कहा हमने, इनर इज द कोर कैम्बियम, और सपोज करो ये बना है कोर कैम्बियम, तो ये सेल कॉर्क हो गया, तो यहां से यहां बार्क बन गया, तो इनर इज द कॉर्क कैम्बियम, थीकर इज द बार्क। ये देखो बार्क इतना मोटा बन रहा है, नहीं, इनर इज द कॉर्क कैम्बियम, जितना अंदर कॉर्क कैम्बियम होगा उतना थीकर बार्क हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या लिखे हैं, स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, इनर इज द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, बार्क कैसा हो जाएगा, थीकर इज द बार्क। अब देखो इसका उल्टा चलते हैं, थीकर इज द बार्क, अब उल्टा चलो, आउटर इज द कॉर्क कैम्बियम। अब मान लो कि कॉर्क कैम्बियम यहां बना, तो इसका मतलब है ये कॉर्क है, तो अब जो बार्क बना वो थिनर बना, पतला बना। ये स्टेटमेंट और इसी लाइन से हम लोग ने कहा कि बीएचयू में भी क्वेश्चन आया हुआ था, आउटर इज द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम जितना बाहर होगा, आउटर इज द कॉर्क कैम्बियम, थिनर इज द बार्क। तो स्टेटमेंट बिल्कुल बदल गया, आउटर इज द कॉर्क कैम्बियम, अगर कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ है तो ये कैसा हो गया, बार्क अब थिनर हो गया, थिनर इज द बार्क। तो बार्क मोटा होगा, थिकर होगा, या पतला लेयर का बनेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, क्या आंसर दोगे बच्चों, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कॉर्क कैम्बियम कहां बन रहा है। कॉर्क, क्योंकि हमने क्या कहा, कॉर्टेक्स का कोई भी एक लेयर एक्टिव होके कॉर्क कैम्बियम बनाया था, कॉर्टेक्स का बाहर का लेयर भी एक्टिव हो सकता है, अंदर का लेयर भी एक्टिव हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, ये अंदर का लेयर भी एक्टिव हो सकता है, बाहर का लेयर भी एक्टिव हो सकता है, तो कौन सा लेयर एक्टिव होके बार्क बना रहा है, ये क्लियर हो गया। हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, इनर इज द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम अगर अंदर की तरफ है तो कॉर्क बना, और कॉर्क के बनने से बाकी के टिश्यू का डेथ हो गया, इसीलिए इतना मोटा बार्क बन गया, और बाहर यहां पे बना तो ये कॉर्क बना, अब पानी बाहर नहीं गया तो ये टिश्यू का डेथ हुआ, तो बार्क पतला बन गया। तो टर्म हमने क्या यूज किया, इनर इज द कॉर्क कैम्बियम, थीकर इज द बार्क, एंड आउटर इज द कॉर्क कैम्बियम, थिनर इज द बार्क। इसी स्टेटमेंट पे बीएचयू में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हमने कुछ टर्म यूज किया और टर्म समझाए। अब हम लोग बार्क को दूसरे प्रोस्पेक्ट में देखेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड जो लाइनें हैं अब हम वो समझा रहे हैं, जो एनसीईआरटी में लाइन है ना, अब हम लोग उस बात को समझा रहे हैं बार्क से कोरिलेटेड, ठीक है ना। तो अब तक ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, बार्क कहां बना, कॉर्क के बनने के चलते पानी बाहर नहीं जा पा रहा था। हमने कहानी बताई कि कुत्ते को पानी नहीं दिए, खाना खा लिया है, पानी नहीं दिए तो क्या होने लगा, भूखना शुरू किया, और भूखने को बार्क कहते हैं, नाम याद रखने का तरीका बता दिए, और फाइनली इसका डेथ हो गया। तो बार्क आर डेड टिश्यू, क्यों, क्योंकि पानी का सप्लाई नहीं हो पाया, बिकॉज वाटर इज नॉट सप्लाइड आउटसाइड, क्यों पानी नहीं सप्लाई हो पाया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉर्क, कॉर्क बन गया, तो क्या हो गया, कॉर्क में ऐसी कौन सी बात थी, तो क्या बताएंगे, इन कॉर्क देयर इज डिपोजिशन ऑफ वैक्सी लेयर सुबेरीन, और जब कभी कोई वैक्सी लेयर बनता है ये पानी के सप्लाई को रोक देता है, वाटर का सप्लाई नहीं हो पाता है, और इसीलिए ये क्या हो चुका है, इसीलिए इसका डेथ हो गया, इसीलिए ये डेड हो गया। इस डेड टिश्यू का नाम क्या दे दिए, बार्क। तो ये हो गया बार्क का रियल कॉन्सेप्शन, और हमने क्या कहा, इनर इज द कॉर्क कैम्बियम, थीकर इज द बार्क, आउटर इज द कॉर्क कैम्बियम, थिनर इज द बार्क। इस स्टेटमेंट के बाद अब हम लोग आ रहे हैं बार्क के उस कॉन्सेप्शन पे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अब उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको पहले हम लिखते हैं, बोर्ड वर्क करते हैं, और फिर हम लोग इसको समझाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बार्क को एनसीईआरटी बेस्ड देख रहे हैं, ठीक है ना। हमने अभी भी बार्क समझाया, और हमने क्या कहा, बार्क इज डेड टिश्यू बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ कॉर्क, कॉर्क बनने के बाद अब जो भी लिविंग सेल्स था वो डेड हो गया। ये बार्क का रियल कॉन्सेप्शन है, और फिर हमने अभी बताया
कि दो बार्क की बात और करेंगे हम लोग अभी, रिंग बार्क और स्केल बार्क, वो दोनों टर्म को अभी समझाएंगे। लेकिन पहले एनसीईआरटी में जो बार्क का कॉन्सेप्शन लिखा वो थोड़ा डिफर कर रहा है, और एनसीईआरटी बेस्ड ही हमको क्वेश्चन ट्रिक करना है। ये याद रखना बच्चों कि जो बातें एनसीईआरटी में हैं हमको उसी के बेसिस पे हमको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एनसीईआरटी को पूरी तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक बातें समझा रहे हैं एनसीईआरटी की, और एक्सटेंशन कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस का तरीका है, जो एक्सटेंशन ऑफ क्वेश्चन है, जहां से आ सकते हैं, जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, उन सब पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब हम लोग आ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड बार्क का कॉन्सेप्शन क्या है। एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा है वो ये है कि ऑल टिश्यू आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम। अब देखो वैस्कुलर कैम्बियम किसको कहते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम मिल रहा था इसको कह रहे हैं वैस्कुलर कैम्बियम, और जो एनसीईआरटी का डेफिनेशन है उसके हिसाब से टर्म यूज किया गया, ऑल टिश्यू आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम कॉन्स्टिट्यूट द बार्क। जो भी टिश्यू बाहर है सभी को बार्क कह दिए। इसका मतलब द वेरियस लेयर दैट कॉन्स्टिट्यूट बार्क आर पेरीडर्म। अब हमने एक टर्म बताया था कॉर कैम्बियम बना, कॉर कैम्बियम के बनने के बाद अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर की तरफ कॉर्क बना था, और इन तीनों को मिला के कहते पेरीडर्म। तो बार्क का पार्ट हो गया पेरीडर्म, जिसमें फेलोजेन कॉर्क कैम्बियम, फेलेम कॉर्क और फेलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स इन्वॉल्व था। ये तीनों को मिला के एक नाम दिए थे। प्राइमरी कॉर्टेक्स भी इन्वॉल्व है इस डेफिनेशन के हिसाब से। ये लेयर का नाम रखे थे कॉर्टिकल लेयर, है ना। ये जो नॉर्मल लेयर दिख रहा है एपिडर्मिस से लेके एंडोडर्मल सेल तक, इसको प्राइमरी कॉर्टेक्स का नाम दिए। क्या नाम दिए थे? तो जब हम ये कह रहे हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाले सेल में ये भी आ गया ना, तो ये हो गया पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। इसको प्राइमरी कॉर्टेक्स बोले क्योंकि एक और कॉर्टेक्स बनने जा रहा है। कब? जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है ना। तो जब कॉर कैम्बियम बनेगा अंदर में सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा। फिर आते हैं पेरीसाइकिल। अब देखो जैसा डायग्राम, पेरीसाइकिल ये वाले लेयर का नाम रखे थे, ये भी किसके? कैम्बियम के बाहर है। तो ऑल द टिश्यू आउटसाइड कैम्बियम, है ना, तो पेरीसाइकिल भी दिख गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, अब देखो बहुत अच्छा टर्म लिखे हम लोग जाइलम को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये प्राइमरी फ्लोएम है, और एक फ्लोएम बाद में जब बनेगा तो नाम रखेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। तो कैम्बियम के बाहर ये भी है प्राइमरी फ्लोएम, ये भी है सेकेंडरी फ्लोएम, ये है जनरल कॉर्टेक्स और ये है पेरीडर्म। तो सभी सेल को किसके बाहर? कैम्बियम के बाहर। ये क्वेश्चन अगर आता है कि बार्क कंसिस्ट ऑफ, और ऑप्शन ये रहता है पेरीडर्म, प्राइमरी कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, तो तुमको ये ऑप्शन ऑप्ट करना है। क्यों? समझ में आ गया? ये ऑप्शन इसलिए ऑप्ट करना है कि ये कंसेप्शन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, और हमने जो कहा, मान लो ये ऑप्शन नहीं आया तो शायद ये क्वेश्चन आ जाए कि बार्क इज, तब तुम्हारा आंसर होगा ऑल द डेड टिश्यू आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ कॉर्क। कॉर्क के बनने के बाद जब पानी बाहर नहीं गया तो जितने टिश्यू का फॉर्मेशन था, सारे लाइव टिश्यू का डेथ हो गया, उनको बार्क है। दोनों बातें तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए। ऑल द डेड टिश्यू आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क इज कॉल्ड एज बार्क। तो बार्क समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं रहे तो वो ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बार्क का वही कंसेप्शन है। लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस का जो ट्रेडिशन है उसके बेसिस पे हमने बार्क को किसके बाहर के लिए? वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर के टिश्यू का नाम दे दिया। ऑल टिश्यू आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बार्क, मीनिंग बाय बार्क कंसिस्ट ऑफ, देखो फ्लोएम कैसा फ्लोएम है? प्राइमरी फ्लोएम। ये फ्लोएम कैसा फ्लोएम है? सेकेंडरी फ्लोएम। ये क्या है? कॉर्टेक्स। और ये क्या है? पेरीडर्म। तो ऑल द टिश्यू विच आर फॉर्म्ड आउटसाइड, जो बाहर है, किसके बाहर है? हम लोग कहेंगे कॉर्क के, है ना, हम लोग किसके? कैम्बियम के बाहर है, उन सबको हम लोग बार्क का नाम दिए। दिस एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी के बेस्ड पे है। These all tissue are formed outside the vascular cambium. मतलब ये जितने टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है कहां से हुआ? ये सब का सब वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर ही बना,
है ना, तो सारे वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर के टिश्यू का नाम दे दिए। अर्ली और सॉफ्ट बार्क, अब जब हम लोग एक सीजन की बात करते हैं तो शुरू में अर्ली सीजन में जो बार्क बनता है, तो बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड एज सॉफ्ट बार्क। बार्क जो पहले बनता है इसको कहते हैं सॉफ्ट बार्क, और जो बाद में सीजन के एंड में बनता है उसका नाम देते हैं लेट, है ना। तो लेट और हार्ड बार्क उसका नाम दे दिए। तो बार्क से रिलेटेड हम लोग कई पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। लेट और अर्ली बार्क किसको बोले, तो बार्क विच इज फॉर्म्ड इन द सीजन अर्ली, एक प्लांट लगाए और शुरू में जो बार्क बन गया है ना, अर्ली में जो बना सीजन के आते ही, उसको बोलेंगे अर्ली बार्क। और लेट में, बाद में सीजन के एंड में जब बन रहा है तो हम लोग इसका नाम देते हैं हार्ड बार्क। तो हम लोग बार्क से रिलेटेड बहुत सी चीजों को समझे हैं, है ना। रिंग बार्क अगर वेसस रिंग में अरेंज्ड हैं, डिफ्यूज बार्क अगर वेसस डिफ्यूज्ड हैं, वेसस की जो हैं वो चारों तरफ स्कैटर्ड हैं, है ना। और अभी दो बार्क के बारे में और पॉइंट डिस्कशन करना बाकी रह गया, वो क्या था, हम लोग कहेंगे रिंग बार्क एंड स्केल बार्क। रिंग के फॉर्म में बार्क का बनना किन प्लांट्स में बनता है, और स्ट्राइप में स्केल के फॉर्म में किन प्लांट्स में बनता है, अब ये दो टॉपिक और बाकी रह गया। तो ये दो टॉपिक को फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले बोर्ड वर्क करते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं रिंग बार्क एज वेल एज क्या नाम देंगे स्केल बार्क। रिंग बार्क जो बिल्कुल रिंग शेप में बाहर निकलना शुरू करेगा, और स्केल बार्क जो टूट टूट के टुकड़े में स्ट्राइप में, जैसा मैंने कहा कि अगर घर में अमरूद का पेड़ हो तो जाके देखना उसका जो छिलका निकल रहा है ना बार्क, वो स्ट्राइप में निकल रहा है। तो ये दोनों एग्जांपल को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये कंसेप्शन बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया ना, अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो बार्क में क्या क्या ऑप्शन लेना है, और अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन क्या आएगा वो हम लोग पहले डिस्कस कर सके हैं। ऑल द डेड टिश्यू आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ कॉर्क इज कॉल्ड एज बार्क, और उससे रिलेटेड दो बातें बताएं, इनर इज द कॉर्क कैम्बियम, थिकर इज द बार्क, आउटर इज द कॉर्क कैम्बियम, थिनर इज द बार्क। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी समझना है। तो ये अब हम लोग आते हैं बार्क के लास्ट एस्पेक्ट पे, रिंग बार्क एंड स्केल बार्क।